ईमानदारी हाथ खड़ा करिए जिसका शादी छोटा में हुआ था, मतलब 18 साल के पहले। जय हिंद दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह सुबह हम तैयार हो चुके हैं, अभी लगभग 9:30 बज रहा है, तो मॉर्निंग ही कहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं आज सतगावा। सतगावा में एक विशेष इवेंट है आज एक बार फिर से, तो आप लोगों को आज इवेंट में क्या होगा सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे कि पिछले लगातार हम आपको कई इवेंट के बारे में बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, तो आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे वीडियो में बने रहें, ताकि आज का इवेंट जो है सो हम जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज है सतगावा में, तो उसके बारे में भी आप लोगों को दिखा सकें। और बहुत जरूरी है आज के समाज में ये सब चीज़ें जो भी हम लोग कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं वो आज के समाज के लिए, आज के बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों तक फैले, और लोग भी जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों पर पहल करें। इसीलिए हम आप लोगों को ये सब चीज़ें इवेंट वगैरह दिखा रहे हैं। हमारी संगठन जो है, संगठन के साथ मिल करके हम कर रहे हैं, तो आप भी अपने साथ अपने गाँव में, अपने समाज में, अपने बच्चों में के साथ ये कर सकते हैं। थोड़ा उसके प्रति गाइडेंस आप लोगों को मिले, ये चीज़ हम इसलिए दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं वीडियो में आगे। और एक चीज़ और, हमारे साथ कई सारे आज टीम मेंबर्स भी जा रहे हैं, जो कि हम यहाँ से जाएंगे अपना नियरेस्ट जो चौक है हमारा बहराड़ी वहाँ, उसके बाद वहाँ से टीम भी आएंगी हमारे साथ, जो भी टीम मेंबर्स जा रहे हैं वो सब आएंगे, उसके बाद चलेंगे सतगांव साथ में मिल करके। तो बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे। हाँ ऐसे में उतर के आगे चले। चलिए उतरिए। हमें चली जा अपना रूप रंग सजाओ, मेहंदी हाथों में लगवाओ, पायल कंगन भी मेरे नीर भरण में जाओ, पायल कंगन भी लगवाओ मेरे नीर भरण में जाओ। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इवेंट के स्थान पर, हमारे पीछे देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है, टेंट वगैरह लग चुका है, लोगों का भीड़ आ चुका है। और आज पुनः हमारे साथ हमारे मित्र आरिफ जी हैं, जो आज के कार्यक्रम के बारे में फिर से आज आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आरिफ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थोड़ा आज बताएं कि आज आप सतगावा में आए हैं, कोडरमा का सुदूरवर्ती प्रखंड है, और यहाँ पे लोगों के साथ आप उपस्थित हैं, क्या इवेंट है आज का? आज सबसे पहले धन्यवाद चंदन जी, आज हम लोग सतगावा प्रखंड के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। ये इस बाल मित्र ग्राम का नाम है गाजेडी। तो यहाँ आने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग एक ज्वलंत मुद्दे पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो ज्वलंत मुद्दा है बाल विवाह से पूरे भारत को आज़ादी दिलाना। तो इस अभियान में जो है इसकी शुरुआत जो है आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में वर्ष 2022 ईस्वी में की गई थी, और तब से लेकर के इस अभियान का उद्देश्य मात्र एक ही है कि वर्ष 2023 तक इस पूरे भारत को बाल विवाह से आज़ादी दिलाना है। ताली बजा करके इनका स्वागत करें। हम लोग जानते हैं बाल विवाह क्या होता है।
बाल युवा आप लोग बताते हैं, बाल युवा उसी लोग पढ़ाई करने लगे हैं। ये हर बच्चों का सपना का एक तरफ का हथियार है शादी। हर गार्जियन को बच्चों तभी करना चाहिए जब बच्चा कुछ कर ले। चलिए आप लोग एक बार और सवाल आप लोग से करते पीछे, आप लोग बताइए कि आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि ऑलरेडी सतगावा का जो डेटा है उसके बारे में बात करते हैं। ईमानदारी हाथ खड़ा करिए जिसका शादी छोटा में हुआ था, मतलब 18 साल के पहले, एक ही लोग का। हम कैसे गिनेंगे, एक खड़ा करके उठा दें। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग को परेशानी नहीं है? आप लोग परेशानी जानना है कि बाल युवा केंद्र कितना परेशानी है? आप लोग विवाह ना करें और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों का विवाह भी ना करें। आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच अनिशा कुमारी उपस्थित हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने बात को रखें हम सभी के बीच में। तो एक बार अनिशा के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका हौसला बढ़ाएं। आप सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम अनिशा कुमारी, मैं वर्ग 7वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। मैं ग्राम झांझी डी की स्थानीय निवासी हूँ। मैं बताने जा रही हूँ कि बाल विवाह करने से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ती है। जैसे कि आपने अभी सुना कि बाल विवाह करवाने पे बच्चों का पूरा हौसला पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों का जो मन में चलता है विचार कि मैं यहाँ इस मंजिल तक पहुँच सकूँ, तो मंजिल हट जाता है। क्योंकि जब घर में विवाह की बात होने लगती है तो बच्चों को मतलब कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। इसी तरह मैं बताने जा रही हूँ कि बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए। जैसे कि लड़कियों का 18 वर्ष के पहले ही शादी करवाई जाती है, इसलिए इसको मिटाने के लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब कि लड़कियों का शादी हमेशा मतलब कि 18 वर्ष के बाद, जैसे मतलब कि उससे उस लड़की का भविष्य खराब ना हो और उस बच्चे का भी भविष्य खराब ना हो जो अपने मन में हौसला रखता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ मंजिल तक पहुंचू, डॉक्टर बनूं, टीचर बनूं, मतलब और उसके मन में जो चलता है वो मतलब कि 18 साल के पहले उसकी विवाह करवाई जाती है तो उसका मतलब कि शरीर का पूरा अच्छा से अंग विकसित नहीं होता है। इसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उसको फिर स्कूल से हटवा कर शादी विवाह करवा दिया तो उस पे घर का बोझ आ जाता है, उससे वह तंग होकर फिर अपनी कुछ जान भी गवा देती है। इसी तरह आपसे सभी से अनुरोध है कि बच्चियों या बच्चों का शादी करवाने से पहले सोच ले कि उसका मन में क्या है, कि मैं क्या करके दिखाऊं कि ग्राम वाले हमसे अच्छे से बात करें और हमसे सभी काम करने से पहले हमसे पूछे कि यह काम अच्छा होगा या नहीं। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि लड़कियों का शादी 18 साल से पहले न कराएं और लड़कों का विवाह 21 साल से पहले न करवाएं। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।